Hello, everyone, welcome back to your channel. So, in this video, we are going to cover important awards of 2020 एंड 2021 तो मैंने पहले वीडियोस में नोबल प्राइज़ तो आपको करा रखा है लेकिन बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एग्जांपल द्रोणाचार्य अवार्ड है ना पुलितर अवार्ड तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये हम आज कवर करेंगे और इसके भी दो पार्ट होंगे इसमें मैंने आठ से दस क्वेश्चन ही लिए हैं पर उसकी एक्सप्लेशन आप जब देखोगे ना तो उसमें भी आपको चार पाँच क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे है ना और वीडियो को जब आप पूरी देख लोगे उसके बाद आपको क्या करना वीडियो शेयर करना है जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हो सो so आपको शेयर करना है ठीक है सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स स्टार्ट आर टूडेज सेशन सो आर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हुज़ बीन अवार्डेड विद टानसिन सम्मान ट्वेंटी ट्वेंटी तो टानसिन सम्मान ट्वेंटी ट्वेंटी से किसको नवाजा गया है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो मैंने अवार्ड्स वगैरह जो भी आज के क्वेश्चन लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आपको बिना ऑप्शन के भी नाम पता होने चाहिए ठीक है और टानसिन सम्मान ट्वेंटी ट्वेंटी मिला है पंडित सतीश व्यास को पंडित सतीश व्यास को क्या मिला है टानसिन सम्मान ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है क्या बजाते थे ये ये बजाते थे संतूर एस ए एन टी डबल ओ आर संतूर बजाते थे ठीक है पंडित सतीश व्यास ओके नेक्स्ट है ट्वेंटी नाइनटीन का किसको मिला है क्योंकि पूछ सकते हैं है ना तो ट्वेंटी नाइनटीन का मिला है पंडित मैं पी टी लिख दे रही हूं पंडित विद्याधर पंडित विद्याधर व्यास ओके okay. तो 2019 का मिला है पंडित विद्याधर व्यास को 2020 का मिला है पंडित सतीश व्यास को जो 2020 के पंडित सतीश व्यास है वो क्या बजाते थे संतूर बजाते थे तानसेन सम्मान देती कौन है तानसेन सम्मान देती है एम की गवर्नमेंट दैट इज़ मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट क्यों देती है किस फील्ड में देती है जो भी जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है ना उसमें बहुत अच्छा काम करता है उसको देती है ठीक है कौन देती है एम की गवर्नमेंट अब हम कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं जो करंट में रहते हैं ओके okay? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी मैं यहां पे लिख दे रही हूं फर्स्ट टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी तो इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिज़र्व हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च कहाँ पे हुआ है बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व ऑफ एमपी में बी ए एन डी एच ए वी जी ए आर एच ठीक है ये सारा नोट डाउन कर लो इंपॉर्टेंट है तो बांधवगढ़ टा, टा, टाइगर रिजर्व में क्या लॉन्च हुआ है इंडिया का फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च हुआ है ओके उसके बाद एम न्यूज़ में रहा था जो ग्वालियर और, और छा सिटी है ना ग्वालियर की तो स्पेलिंग सबको आती होगी औरछा की जो स्पेलिंग है वो है ओ आर सी एच ए ए ठीक है डबल ए आर सी एच डबल ए तो औरछा एंड ग्वालियर जो सिटीज़ हैं एम पी के वो इंक्लूड हो गए ऐड हो गए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट में ओके ग्वालियर एंड औरछा कहाँ के सिटी है एम पी की सिटी है कहाँ एड हुए हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट में ओके अब जब हमने यूनेस्को की बात करी है तो हम यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं यूनेस्को का जो फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था सिक्सटीन नवम्बर नाइनटीन में ओके फाउंडेशन हुई थी यूनेस्को की उसके बाद इसका हेड क्वार्टर कहा है पेरिस फ्रांस में ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो उसके बाद जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना एमपी पी का तो ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है एमपी का आ, इसको यूनेस्को बायोस्फेयर रिजर्व स्टेटस मिल चुका है ठीक है पन्ना टाइगर रिजर्व को क्या मिला पन्ना टाइगर रिज़र्व सबसे पहले कहा एम में है इसको क्या मिल गया यूनेस्को बायोस्फेयर रिजर्व स्टेटस ओके उसके बाद और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आ, अभी ना एक एस्टिमेशन हुआ था ठीक है एक रिपोर्ट निकली थी डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की तरफ से तो ये रिपोर्ट किसकी थी एक इन्होंने क्या करा था ना जो लेपर्ड्स होते हैं उनको काउंट किया था ठीक है तो जो ये लेपर्ड एस्टिमेशन रिपोर्ट निकली थी ना उसमें जो फर्स्ट स्टेट था वो एम पी था मतलब सबसे ज़्यादा लेपर्ड कहाँ पर पाए जाते हैं एम पी में सेकेंड था कर्नाटका सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में लेपर्ड एम पी में सेकेंड है कर्नाटका और थर्ड है महाराष्ट्र ओके okay, तो एक अभी क्या निकली थी एक रिपोर्ट निकली थी किसके थ्रू डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के थ्रू दैट इज़ वर्ल्ड वाइड फंड है ना और उसमें पहला स्टेट कौन सा था जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड थे एम पी सेकेंड इज़ कर्नाटका एंड थर्ड इज़ महाराष्ट्र ओके okay? अब जब हमने डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ की बात करी है तो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का फाउंडेशन हुआ था नाइनटीन सिक्सटी वन में ओके okay? इसका हेड क्वार्टर कहाँ है इसका हेड क्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ओके यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ था अभी हमने पढ़ा था पेरिस फ्रांस में डब्ल्यू का एफ है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका प्रेजिडेंट कौन है डब्ल्यू का पवन सुखदेव पवन की तो स्पेलिंग सबको आती होगी पी ए डब्ल्यू एन पवन सुखदेव ओके ये इसके प्रेसिडेंट है उसके बाद इसके डायरेक्टर जनरल कौन है डायरेक्टर जनरल का नाम है मार्को एम ए आर सी ओ मार्को एल ए एम बी ई आर टी आई एन आई लम्बरचीनी ओके मार्को लंबरचीनी इसके क्या है डायरेक्टर जनरल तो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड है फाउंडेशन हुई थी नाइनटीन सिक्सटी वन में हेड क्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड प्रेजिडेंट है पवन सुखदेव डायरेक्टर जनरल कौन है मार्को लम्बरचीनी ओके उसके बाद इंडिया का फर्स्ट uh, जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है वो कहाँ पर सेटअप हुआ था उत्तर काशी में और उत्तरकाशी कहाँ है उत्तराखंड में इंडिया का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ठीक है कहाँ पर सेटअप हुआ है उत्तरकाशी उत्तराखंड में ठीक है और इंटरनेशनल स्नो लेपर uh, डे का बनाते हैं अक्टूबर ट्वेंटी थ्री को ठीक है तो अभी जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी है उसको हम रिवाइज भी कर लेंगे उससे तो पहले एक और चीज़ है अगर आपको पता होगा कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में रही थी कि जो अवनी चतुर्वेदी वो कहाँ से एम पी से हैं ठीक है शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पायलट वुमेन हु फ्लू फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो है ना तो ये आपने सुना भी होगा कि अवनी चतुर्वेदी कहाँ से एम पी से है शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पायलट हु फ्लू अ फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो ठीक है उसके बाद आयशा अजीज़ जो हैं आयशा अजीज़ कहाँ से जे एन के से हैं आयशा अजीज़ जे एन के से क्या बन चुकी हैं इंडिया की यंगेस्ट फीमेल यंगेस्ट फीमेल पायलट बन चुके हैं ठीक है थेके? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मैं रिवाइज़ करा देती हूँ इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिज़र्व हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च हुआ है बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में ऑफ़ एम ग्वालियर एंड और सिटी जो है एम के वो इंक्लूड हो गए यूनिस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी आ, लिस्ट में उसके बाद जो पन्ना टाइगर रिज़र्व है एम का उसको टैग मतलब वो एड हो चुका है कहाँ पर या फिर उसको टैग मिल चुका है यूनेस्को बायोस्फेयर रिजर्व स्टेटस का पन्ना टाइगर

है पवन सुखदेव डायरेक्टर जनरल है मार्को उसके बाद जो फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है वो कौन है उत्तर वो कहाँ पे है उत्तरकाशी उत्तराखंड में और इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर ट्वेंटी थ्री को अवनी चतुर्वेदी क्या है फर्स्ट इंडियन पायलट वुमेन है हु फ्लू फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो और यंगेस्ट फीमेल पायलट कौन है हमारी आयशा अजीज़ ठीक है और कहाँ से हैं जम्मू एंड कश्मीर से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज़ बीन ऑनर्ड विद डी आर डी ओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ट्वेंटी तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है आंसर हो जाएगा इसका हेमंत कुमार पांडे ओके okay? राइटिंग uh, पे मत जाना uh, इससे बेटर हो नहीं सकती uh, तो हेमंत कुमार पांडे uh, को मिला है डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 और अब हम डीआरडीओ के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे जो आपसे पूछ सकते हैं uh, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 जनवरी 1958 को ओके okay? क्वार्टर है न्यू दिल्ली ये सबको पता है मोटो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछ सकते हैं स्ट्रेंथ origin is in knowledge strength origin is in knowledge ये इसका मोटो हो गया चेयरमैन कौन है जी सतीश रेड्डी ठीक है तो डीआरडीओ का फॉर्मेशन है वन जनवरी 1958 और डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है हेमंत कुमार पांडे को और मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी अभी फर्स्ट जनवरी को ही 2021 में ही इनका इन्होंने सेलिब्रेट किया था सिक्सटी थर्ड फाउंडेशन डे ओके तो 63 फाउंडेशन डे 2021 जनवरी को इन्होंने सेलिब्रेट किया है उसके बाद डी ने अभी आपको पता होगा एक कोविड 19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप करी थी उसका नाम क्या है डिप कोवन डिप तो कोवन क्या है कोविड uh, नाइन्टीन के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन हुटेड फॉर ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 तो ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 के लिए किसको सेलेक्ट किया है तो इसका आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह दिसाले और ये कहा से है ये महाराष्ट्र से ऐसे ही सेम Uh, सुधा पैनोली सिलेक्टेड फ़ॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 तो uh, जो सुधा पैनोली मैम हैं शी हैज़ बीन सेलेक्टेड फ़ॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 ओके okay? और नेशनल टीचर्स डे कब बनाते हैं 5 अक्टूबर को ये सबको पता होना चाहिए इतनी छोटी सी चीज़ है ओके okay? अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग उत्तराखंड के बारे में क्योंकि जो सुधा पैनोली मैम है वो कहाँ से उत्तराखंड से है सो हम उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देखेंगे फर्स्ट फैक्ट इज़ दिस जो फूल दे एक फेस्टिवल होता है वो कहाँ का है उत्तराखंड का पी एच डबल ओ एल फूल दे डी ई आई ठीक है फुल दे एक फेस्टिवल होता है इसको क्या बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोलते हैं ये उत्तराखंड का है उसके बाद उत्तराखंड के जो न्यू सी एम है उनका नाम क्या है तीरथ सिंह रावत और इनको ओट कौन दिलाते हैं सी एम को गवर्नर दिलाते हैं और उत्तराखंड की गवर्नर का नाम क्या है बेबी रानी मौर्य ओके okay, तो न्यू सीएम कौन है तीरथ सिंह रावत ओत कौन दिलाता है गवर्नर और गवर्नर कौन है उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य उसके बाद तीरथ सिंह रावत ने किसको रिप्लेस किया है एज अ न्यू सीएम तो उन्होंने रिप्लेस किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत को यानी कि इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सर उत्तराखंड के सीएम थे उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो रानीखेत है वहाँ पर इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खुल रहा है ठीक है तो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे है आ, रानी खेत में जो कि उत्तराखंड में ही ऑफ ऑफकॉर्स से बात है फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे है हल्द्वानी में ठीक है और हल्द्वानी कहाँ है उत्तराखंड में फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ठीक है फिर इंडिया का फर्स्ट मोस्ट गार्डन कहाँ है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ठीक है और नैनीताल कहाँ है उत्तराखंड में ठीक है उसके बाद फर्स्ट लाइकन पार्क एल आई सी एच ई एन फर्स्ट लाइकन पार्क कहाँ पे है वो डेवलप हुआ है पिथौरागढ़ में और पिथौरागढ़ कहाँ उत्तराखंड में ठीक है उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही समर कैपिटल का, बनाई गई है उत्तराखंड की है ना तो उसका नाम क्या हो जाएगा गैरसैंड जी ए आई आर एस ए आई एन गैरसैंड ठीक है तो गैरसैंड क्या है समर कैपिटल ऐसे ही विंटर कैपिटल क्या है देहरादून ठीक है उसके बाद उत्तराखंड ने अभी रिसेंटली ठीक है एक ऑर्डिनेंस पास ऑर्डिनेंस पास किया था टू गिव लैंड ओनरशिप टू डॉटर एंड वाइफ्स तो जो जमीन होगा उसमें हक किसका होगा डॉटर एंड वाइफ्स का भी तो ऐसा ऑर्डिनेंस पास किया था उत्तराखंड में और उत्तराखंड ऐसा फर्स्ट स्टेट है ऐसा कुछ ऑर्डिनेंस पास करने के लिए ठीक है उसके बाद अभी एक सेकेंड uh, एडिशन हुआ था डस्लिक मिलिट्री एक्सरसाइज का तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डस्लिक मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो कंट्री के बीच में है तो इंडिया एंड उस बेकिस्तान उज्बेकिस्तान ठीक है तो डस्लिक किस दो कंट्री के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है उत्तराखंड सॉरी इंडिया एंड उज्बेकिस्तान ठीक है उसके बाद अभी ये जो डस्टलिक एडिशन हुआ था ये कौन सा एडिशन था सेकेंड एडिशन था ठीक है और ये जो सेकेंड एडिशन हुआ ना डस्टलिक का ये कहाँ पर हुआ रानी खेत में विच इज़ अगेन इन उत्तराखंड ठीक है तो मैंने बहुत सारी आपको इन्फॉमेशन दी है कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल बनाया जाता है उत्तराखंड में उसका नाम क्या है फूल दे Uh, उसके बाद न्यू uh, सीएम बने तीरथ सिंह रावत ओथ दिलाई थी इनको गवर्नर ने गवर्नर कौन है बेबी रानी मौर्य उसके बाद प्रीवियस सीएम uh, कौन थे त्रिवेंद्र सिंह रावत उसके बाद फर्स्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे है रानी खेत में विच इन उत्तराखंड फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क भी यहीं पर है फर्स्ट मोस गार्डन भी यहीं पर है फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी यहीं पर है ठीक है उसके बाद फर्स्ट लाइकन पार्क भी थोड़ा घर में ही है जो कि अगेन इन उत्तराखंड ही है उसके बाद समर कैपिटल कौन है गैरसैन है विंटर कैपिटल कौन है देहरादून उसके बाद उत्तराखंड ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था टू तो गिव लैंड ओनरशिप टू तो डॉटर एंड वाइफ ठीक है उसके बाद डस्ट लेक की सेकेंड एडिशन हुई थी रानी खेत में ठीक है और ये डस्ट लेक कहाँ पर लाइक किन दो कंट्री के बीच में होती है इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान नेक्स्ट अवार्ड इज़ बेस्ट टेबलू अवार्ड इन रिपब्लिक डे परेड हेल्ड एट दिल्ली ऑन 2021 ट्वेंटी so, वन तो सबसे पहले टेबलू का मतलब क्या होता है टेबल्यू का मतलब होता है झांकी ठीक है तो बेस्ट टेबल्यू अवार्ड किसको मिला बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला था यूपी को मिला था ठीक है और इन्होंने क्या शो किया था अयोध्या का पूरा मतलब प्रदर्शन वगैरह करा था तो इनकी थीम थी अयोध्या पे बेस्ड ठीक है उसके बाद जो सेकेंड स्टेट था इस लिस्ट में वो था त्रिपुरा ओके okay. और थर्ड क्या था यूके तो ये तो होगी टेबलू की बात है ना आ, नेक्स्ट है आ, ये कौन सा लाइक रिपब्लिक डे था सेवेंटी टू है ना रिपब्लिक डे था उसके बाद इसमें कोई चीफ गेस्ट नहीं आए थे और ब्रिटेन के पीएम को हमने बुलाया था उनका नाम क्या है बोरिस जॉनसन बोरिस जॉनसन ठीक है इनको हमने बुलाया था बट ड्यू टू कोविड वो नहीं आ पाए ठीक है तो इन्होंने पूरी प्रिकॉशंस वगैरह लिए हैं तो अच्छी बात है नेक्स्ट है बांग्लादेश की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था ट्वेंटी ट्वेंटी वन की परेड में ठीक है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है तो बांग्लादेश की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था इससे पहले और भी कंट्री की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था जैसे कि 2016 में फ्रांस की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक डे में हमारे उसके बाद टू में यू ए की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था हमारे रिपब्लिक डे में और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में किसने कर दिया है पार्टिसिपेट बांग्लादेश ने ओके तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है देखो जब ये ये कल्चरल टेबलू वगैरह शुरू हुआ था मतलब रिपब्लिक डे में तो कोई तो फर्स्ट स्टेट रहा होगा ना या फिर यूनियन टेरिटरी जिससे पूरी ये जो झांकी वाँगी है वो शुरू हुई हुई होगी तो सबसे पहले जो जिसका वहाँ पे दिखाया गया था जहां की वो एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लद्दाख और लद्दाख पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा था रिपब्लिक डे में और फर्स्ट झांकी भी उन्हीं की दिखाई गई ठीक है 2021 की रिपब्लिक डे में उसके बाद जो कैप्टन प्रीति चौधरी हैं वो किस रेजिमेंट की हैं वन एयर डिफेंस रेजिमेंट की हैं ठीक है ठीके? और ये एक ऐसी वुमेन थी वन एयर डिफेंस फोर्टी एयर डिफेंस रेजिमेंट ठीक है ये इकलौती वुमेन कंटीजेंट कमांडर थी इंडियन आर्मी की जिन्होंने वहां पे जो अपनी रेजिमेंट है उसको लीड किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Who has been ऑनर्ड with 2020 Pulitzer Prize in Feature Photography? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो तीन नाम मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी न्यूज़ में रहे थे तो ट्वेंटी uh, ट्वेंटी का पुलजर प्राइज़ इन फ़ीचर फोटोग्राफी मिला था तीन uh, इंसानों को फर्स्ट है दार यासिन दार यासिन सेकेंड है मुख्तार खान एंड थर्ड नेम इज छन्नी आनंद दार यासिन मुख्तार खान एंड थर्ड इज छन्नी आनंद तो इनको मिला था 2020 का पुलिटर प्राइज़ इन फीचर फोटोग्राफी अब फीचर फोटोग्राफी मिला है तो कुछ तो इन्होंने दिखाया होगा उस आ, अपनी फोटोग्राफी में तो आपको जैसे पता है कि 370 आर्टिकल एब्रोगेट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर से तो उस टाइम पे जो भी सिचुएशन सिचु, सिचु थी बहुत उथल पुथल मच गई थी सबको पता है तो वो सारी चीज़ें कैप्चर करी थी इन तीनों लोगों ने और आ, फिर इसके वजह से इनको फीचर फोटोग्राफी में ट्वेंटी का पुलिजर प्राइस मिला है ठीक है अब मैं वो तीन इंसान दिखा देती हूँ आपको सो so, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से देख सकते हैं इन तीन आदमियों को इन्हीं को 2020 का पुलज्जर प्राइज़ इन फीचर फोटोग्राफी मिला है ओके फोटोग्राफी में ना एक और अवार्ड दिया जाता है बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया जाता है ठीक है तो 2021 में बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट आर ओ बी ई आर टी रॉबर्ट इरविन आई आर डब्ल्यू आई एन तो रॉबर्ट इरविन को क्या मिला है बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 ठीक है और ये मैंने करंट अफेयर में भी कराया था और इन्होंने ऐसा क्या शो करा था इन्होंने बुश फायर को शो करा था और ये मैंने पूरा आपको पिक के साथ दिखाया था कि मतलब इन्होंने कैसे कैप्चर करी थी वो पिक तो वह आप वीडियो देख सकते हैं ठीक है थीके? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवार्डेड विद मिस इंडिया 2020 तो मिस इंडिया 2020 किसको लाइक ये अवार्ड मिला है तो सबको पता है आंसर इज मानसा वाराणसी तो वाराणसी से आपको समझ आता है वाराणसी की होंगी तो यूपी की होंगी तो ये आंसर गलत हो जाएगा ठीक है मानसा वाराणसी को तो मिला है लेकिन वाराणसी से वाराणसी कुछ इंक्लूड नहीं है ये एक्चुअली में रहती का है तेलंगाना से बिलोंग करती हैं ठीक है ठीके? तो मानसा वाराणसी को मिला है और ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और रनर अप का नाम ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा फेमस थी सोशल मीडिया इन सब में ठीक है तो अप का नाम है मानिया सिंह और ये कहाँ से है ये है यूपी से ठीक है तो जो फर्स्ट आई थी मतलब फर्स्ट क्या ही आते हैं इसमें पर जो मिस इंडिया का अवार्ड जिनको मिला है वो है मानसा वाराणसी इज़ फ्रॉम तेलंगाना एंड जो रनर अप रही हमारी मान्या सिंह वो यूपी से ओके okay? जैसे हमने अभी तेलंगाना की बात करी तो तेलंगाना की एक मैं न्यूज़ आपको बताऊँगी uh, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया की बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विद द कैपेसिटी ऑफ हंड्रेड मेगावाट ओके विल बी अप एट रामगुंडम आर ए एम ए जी यू एन डी ए एम रामगुंडम इन तेलंगाना तो इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विद द कैपेसिटी ऑफ हाउ मच हंड्रेड मेगावाट विल बी सेटअप इन रामागुंडम विच इज इन तेलंगाना तो इम्पोर्टेंट है नोट डाउन कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी रिकोगनाइज एज ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में किस सिटी को मिली है तो आंसर हो जाएगा योर हैदराबाद ओके okay. एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे प्रीवियस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ऐड कराना है जब मैं आपको ये 2020 का पुलित्जर प्राइज इन फीचर फोटोग्राफी करवा रही थी जो मैंने बोला था कि तीन लोगों को मिला है तो मैं वहाँ पे ये बताना भूल गई थी कि जो पुलिसजर प्राइज़ है वो जर्नलिज्म के फील्ड में मिलता है और ये कौन देता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा ये दिया जाता है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नाइनटीन में तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉमेशन है ये भी ऐड कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन आई नो क्वेश्चन बहुत कम थे और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा था क्वेश्चन uh, के अकॉर्डिंग बट गाइस आपको पता है कि जो उसकी एक्सप्लेनेशन है uh, वो मैं थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ और वो न्यूज़ में भी रहता है ऐसा नहीं है कि मैं चार पाँच साल पहले की न्यूज़ बोलती हूँ वो करंट में भी रहता है एक uh, एक डेढ़ साल के अंदर है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि करंट के साथ उसको रिलेट करूँ या फिर स्टैटिक के साथ है ना करंट पुराना हो जाता है तो फिर वो स्टैटिक में काउंट हो जाता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ सारा इंक्लूड करूँ तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना जो भी अवार्ड्स ज में रहते ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आ, हमने नोबल प्राइज़ तो सारे कर लिए अब जो ऐसे अवार्ड है जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड वगैरह है ना मिस इंडिया अवार्ड तो ऐसे मैं अब कवर कराऊंगी ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मुझे पता है शेयर नहीं करते हो पर फिर भी मैं बोलूँगी प्लीज़ गाई वीडियो को शेयर कर देना ताकि मैं जल्दी से जल्दी और इंपॉर्टेंट uh, वीडियोज़ को जल्दी से जल्दी कवर करूँ ठीक है सो थैंक यू सो मच